हेलो दोस्तों, इस समय मैं हूँ सियोल शहर के सिटी हॉल एरिया में। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे बैकग्राउंड में है सिटी हॉल की मेन बिल्डिंग। यहाँ सियोल सिटी में आज एक फूड फेस्टिवल हो रहा है और मैं जा रहा हूँ वहीं, और साथ में आपको भी ले चलता हूँ इस जर्नी में। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ सामने का एरिया। यहाँ बच्चों का खेलने वाला है, यहाँ पे असिस्टेंट के लिए लोग हैं, ये एक तरह का चिल्ड्रन पार्क है जहाँ कई सारे गेम हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बच्चों की लाइब्रेरी है। लुक एट दैट टाइनी ह्यूमन। आपको यहाँ का लोकेशन दिखा दिया है, अब हम चलते हैं इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल की तरफ। और हमारे साथ हैं लूसी। हेलो लूसी। हेलो। चलो। हाँ, हेलो। डू यू वांट टू गो टू किम्पा प्लेस? ये एरिया साउथ कोरिया के बहुत फेमस एरिया में से एक है, और ये फेमस एरिया यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, पुलिस सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो सामने देख सकते हैं आप, पब्लिक बाइसाइकिल्स है यहाँ पे। अगर किसी को साइकिल लेना हो तो आप यहाँ जा सकते हैं और चुपचाप साइकिल उठा के जहाँ आपको जाना हो वो जा सकते हैं। कि ये एरिया एक्चुअली यहाँ पुलिस बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा पुलिस होने का रीज़न ये है कि यहाँ पर अमेरिकन एम्बेसी और ब्रिटिश एम्बेसी भी यहीं पर है। यहाँ का एक और बहुत ही फेमस एरिया है जो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ कुछ दिन पहले हमारे दिल्ली के केजरीवाल भी आए हुए थे। इस एरिया को बोलते हैं छोंगे छोन। दिखा रहा हूँ, और अभी हम आ गए हैं अपने ये फूड फेस्टिवल वाले लोकेशन पे। आप सामने देख सकते हैं वो एरिया है जहां से फूड फेस्टिवल शुरू हो रहा है। अब हम आ गए हैं फाइनली अपने इस एरिया पे जहां पर लगा हुआ है इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल, और यहाँ हर कंट्रीज के लोग अपने अपने फूड का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ये साथ यहाँ पर है ग्वाटेमाला, मोरक्को।
ये हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल का है। ये हमारे एक और बहुत करीबी मित्र देश पाकिस्तान का है। यहाँ पर बेचा जा रहा है लैम टिक्का, चिकन सशिल्क। ये हमारे फूड फेस्टिवल मौजूद अभी सारी कंट्रीज ख़त्म नहीं हुई हैं। मैं अभी आपको बीच में दिखाता हूँ कि हमारे केजरीवाल साहब कहाँ पर आए हुए थे। ये मैं बगल में भी इसमें ऐड करूँगा, ये साउथ कोरिया का शहर एरिया जो छोंगे, ये पहले कैसे दिखता था और अभी कैसा दिख रहा है। अभी जैसा दिख रहा है आप देख सकते हैं। ओके, इतना हो गया, शुरू करते हैं अपनी इस जर्नी को। मैं आपको दिखाता हूँ बाकी के यहाँ रेस्टोरेंट्स। मुझे लग रहा है मैं लगभग सारी कंट्रीज के यहाँ फूड स्टॉल कवर कर लिया हूँ। एक जो फूड हमें नहीं मिला है वो है अपने भारतीय फूड, भारतीय व्यंजन। चलते हैं, ढूंढते हैं उसको भी कि वो कहाँ है। ओके, लेट्स गो। अभी भी ढूंढना ही जा रहा है कि कहाँ है हमारा हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट। पड़ोसी मिल्क के बाद एक बार फिर आ गए हैं उसके पास। ये है हमारा पड़ोसी मिल्क बांग्लादेश। यहाँ पर कुछ और रेस्टोरेंट है, कुछ और स्टॉल्स हैं, रवांडा, फिलीपींस, पेरू, पराग्वे, पराग। What meat is it? Lamb gogi. Okay. Can I have one? Okay. And I can pay with card, right? तो जॉर्डन वाले स्टॉल से हमने खरीदा है ये पराठा, जो कि शायद लैम पराठा है, बकरे गोश्त का। चेक करते हैं कैसा है। बढ़िया, पूरा एरिया मैंने ढूंढ लिया है। यहाँ पर नेपाली रेस्टोरेंट मिल गया है, बांग्लादेशी स्टॉल मिला है,
यहाँ तक कि पाकिस्तानी स्टॉल भी है। ये मेरे पीछे नेपाल का दिख रहा होगा आपको झंडा, ये है उसके बगल में पाकिस्तान का है, और इधर बांग्लादेश का भी है, मलेशिया के बाद ये साइड में बांग्लादेश का भी है। लेकिन इंडिया का स्टॉल मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान में अच्छे दिन की तरह हो गया है, यहाँ पर भी अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन होगा ज़रूर, देखते हैं, होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, नहीं होगा तो कोई नहीं, अगले बार मिलते हैं इंडियन स्टॉल के पास। ये स्टॉल है एल साल्वाडोर का, और वो जो सामने बंदी है वो मेरे साथ पढ़ाई भी करती थी साउथ कोरिया में, सबसे उधर, उसका नाम है जूली। अब तक तो हमें इंडियन रेस्टोरेंट नहीं मिला है, इंडियन स्टॉल नहीं मिला है, और मुझे लगता है कि शायद है भी नहीं, इस बार इंडियन ने यहाँ पर अपना स्टॉल नहीं लगाया है। तो यहाँ तक ही ये सारा था, ये सिरालियोन, ये सिरालियोन, और उधर तंजानिया के बाद ये एंड होता है। चलते हैं वापस घर को। ओके, आज के फूड फेस्टिवल में बस इतना ही, और आपसे मैं मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।